और अब बात अयोध्या की, जहां रामलला को उनके भक्तों की ओर से भेंट देने का सिलसिला जारी है। रामलला के एक ऐसे अनन्य भक्त ने दी है उन्हें एक खास भेंट, क्या है वो दिखाते हैं आपको। जब से अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है तब से यहां भक्तों का अंबार लगा है। रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं प्रभु श्री राम के ऐसे भी कई भक्त हैं जो उनको अलग तरह की भेंट दे रहे हैं। रिटायर्ड IAS अधिकारी सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण ने रामलला के दरबार में सोने की रामायण भेंट की है। सोने के पन्नों पर लिखी इस रामायण को गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति से 15 फीट दूरी पर इसे रखा गया है। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व IAS सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी सरस्वती ने रामायण को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट किया। 5 करोड़ की लागत से 151 किलो वजन की रामचरितमानस तैयार की गई है। 10,902 छंदों वाली रामायण के हर पेज पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है। गोल्डन प्रतिकृति में लगभग 500 पेज हैं। इस रामायण को तैयार करने में 140 किलो तांबे का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही हर पेज पर 3 किलोग्राम तांबा भी लगा है। कहा जा रहा है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसने नई संसद भवन का राजदंड भी तैयार किया था। रिटायर्ड अधिकारी लक्ष्मी नारायण की प्रभु श्री राम में अपार श्रद्धा है। इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तभी लक्ष्मी नारायण ने अपने जीवन भर की कमाई को रामलला को समर्पित करने का संकल्प लिया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए तेज रफ्तार का खबरों का तूफान। के पहले दिन कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। 9 दिन का कठिन व्रत, कर्तव्यों का भी कठोर तप, देश भर में मैराथन दौड़े, होंगे सभी संकल्प पूरे। मोदी की तपस्या,